कोई भी चीज हमारे लिए लकी या अनलकी इसलिए होती है क्योंकि हमारी जुड़ी होती है आस्थाएं उसके साथ। अगर किसी की चीज के साथ में पॉजिटिव आस्था जोड़ लें तो वो आपके लिए लकी बन जाती है। और वहीं अगर किसी भी चीज का एसोसिएशन आपने ऐसा बना लिया कि वो अनलकी है, उसके होने से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो वो चीज जब भी आपके पास रहेगी कुछ खराब रिजल्ट आपको देगी। सेम इसका अपोजिट है, लकी चीज अगर आपकी आस्था जुड़ी हुई है तो जब भी आपके पास रहेगी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देती ही रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं एक लकी चार्म आप लोगों के साथ में। आप लोग भी ऐसा लकी चार्म अपने लिए बना लीजिए और आस्था जोड़िए उस लकी चार्म के साथ में कि जब भी वो चार्म आपके साथ रहता है आप बहुत सारे वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, हर तरफ से पैसे को खींच रहा है और जहां पर भी वो लकी चार्म रहता है आपके लिए पैसा खींचकर चला आता है उस जगह। तो इसी आस्था के साथ, इसी इंटेंशन के साथ आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं लकी चार्म कि आप पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए क्या लकी चार्म बना सकते हैं। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तीन चीजें। पहला, एक बाउल में हमने पानी लिया, थोड़े से बड़े ही बर्तन में लेना। मैंने बड़े में इसलिए लिया है क्योंकि आगे इसका यूज होगा, छोटी सी बाउल नहीं चलेगी। बड़ी सी बाउल में वाटर। दूसरी चीज जो हमने ली है वो हमने लिया है सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। इस तरह से दालचीनी जो घर में किचन में होती है सिंपल, आप उसको पीस कर ऐसा पाउडर बना लेंगे। और तीसरी चीज जो हमने ली है वो लिया है रुपी, एक्चुअल रुपी। यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल नहीं लेना, नकली नहीं लेना, एक एक्चुअल रुपी ले लें। कितना भी ले लें, 10 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो, आसपास हो, आप वो ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी रुपी को लेने से। आपने अपना रुपी ले लिया, जो लोग इंडिया के बाहर है वो लोग फिर मुझसे पूछते हैं मैडम हम डॉलर का बनाए या नहीं बनाए। आराम से जो भी आपकी करेंसी है उस करेंसी में से एक आपको नोट ले लेना है, रुपी ले लेना है एक। ये तीन चीज हमने ली है। अब तीन चीज लेने के बाद हम बनाने जा रहे हैं इस रुपी को अपने लिए लकी चार्म। कैसे बनाएंगे? बस तीन ही चीजें इसमें इस्तेमाल होनी है। आपने क्या करना है, कोई भी एक दिन अच्छा सा चुन ले, शांत भाव से बैठ जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है, आपका इंटेंशन। रुपए हमारे पास बहुत होते हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन वो लकी चार्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। लकी चार्म में वो कन्वर्ट कब होते हैं, जब आप उसके साथ इंटेंशन, एसोसिएशन कर देते हैं किसी भी चीज का। एसोसिएशन पॉजिटिविटी का, एसोसिएशन मनी का, यानी जब भी मेरे पास ये रुपया रहता है मेरे लिए बहुत सारे और पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो जब इस चीज का एसोसिएशन इस रुपए के साथ, इस भावना का बन गया, तो जब ये आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली आपके लिए पैसा अट्रैक्ट करके लाता ही रहेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका होता है कि ये रुपया, ये लकी चार्म आपके लिए पैसे को बहुत खींच के लाता है और लाना है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं सोचता। सबकॉन्शियस माइंड कैसे सोचता है, आप जो सोच रहे हैं अगर पूरी शिद्दत के साथ आपने ये सोच लिया कि ये लकी चार्म पैसा लाएगा और बार बार सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लकी चार्म आपके लिए पैसा लेकर आएगा। तो शुरुआत करते हैं लकी चार्म को बनाने की। क्या करना है, किसी एक दिन शुक्रवार का दिन चुन लें, माता लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार का दिन अच्छा होता है। शुक्रवार का दिन आपने चुन लिया, नहा धो के शांत भाव से बैठ गए, गुलाब की अगरबत्ती अपने आसपास लगा दें, गुलाब माता लक्ष्मी को पसंद है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए अब उनके बीज मंत्र का, श्रीम का जाप करना शुरू कर दें, जितना बोल पाए। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र हम जितना ज्यादा बोलते हैं हमको उतना ही आता है रिजल्ट। गिनने काउंट करने की भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप गिने 21 किया कि 51 किया, जरूरत नहीं है। शांत भाव से, सच्चे मन से अगर भगवान से प्रार्थना आप करते जाएं, शांत भाव से गुलाब की अगरबत्ती लगाकर बैठे, गुलाब क्योंकि माँ को पसंद है, आपने गुलाब की अगरबत्ती लगाई और बोला श्रीम श्रीम श्रीम, जितना देर आप जाप कर पाए माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करिए। जितना देर आपका मन करे, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, जितना देर कर पाए आपने जाप कर लिया।
करना क्या है, जाप करते करते ये जो पानी आपने इसमें भरा है इसको अपने सामने ही रखना है आपको। ये जो तीनों सामान है इसको आप अपने सामने रख के बैठेंगे और अब आपने जाप करना शुरू कर दिया। श्रीम श्रीम जितना देर आपने जाप किया, कुछ देर आपको जाप करना है बाउल को हाथ में लेके, ऐसे करके हाथ में ले लें और अब जाप करें श्रीम श्रीम श्रीम। इस तरह से जाप करें। पानी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हमेशा याद रखना, बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप जानते हैं। पानी को जो भावना दोगे पानी में वो भावना उतर जाएगी। तो श्रीम माता लक्ष्मी का आपने बीज मंत्र इसमें उतार दिया। जितना देर आपने चैंट करना है पानी को पास में रख के, हाथ में रख के चैंट कर ले, पूरी तरह से वो मंत्र की एनर्जी इस पानी में उतर चुकी है। अब आगे आपको क्या करना है, माता का नाम लेते हुए मन में श्रीम का जाप करते हुए आपने उंगली से बना दिया इसमें श्रीम, ऐसे यूं आपने श्रीम बना दिया। श्रीम आप चाहे इंग्लिश में कर दें और आप चाहे तो इस तरह से बना दें, मैं फोटो लगा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने बाउल लिया था बड़ा, कि आप बड़ा बड़े बाउल में बना पाएंगे, छोटे में आप नहीं बना पाते। मंत्र की एनर्जी दे दी और मंत्र को पानी में भी आपने एक बार लिख दिया माता का नाम लेते हुए। उसके बाद ये जो आपने पाउडर लिया है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, इसमें भी आपको लिख देना है श्रीम। आपने उंगली से लिया माता का, ऐसे करके श्रीम। देखिए अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं वीडियो में लगाऊंगी तो आपको दिखेगा। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से उंगली से आपने श्रीम लिख दिया पानी में और इसमें। अब आपने क्या किया, ये रुपया लिया, कोई भी जो आपने करेंसी ली है इसको आपने ऐसे करके रख दिया। आपने ऐसे करके इसको रख लिया करेंसी को अपने हाथ में। आप टेबल पर रख लें, क्योंकि मैं वीडियो अकेले बना रही हूं तो मैं ठीक से टेबल और उस सब पे सेट नहीं कर पाई हूं। आपने ऐसे करके इसको टेबल पर रख लिया। टेबल पर रखने के बाद जो पानी आपने लिया है उस पानी को इस पे लगा दें, ऐसे करके श्रीम का पानी आपने ऐसे करके लगा दिया और मन में लगातार बोलते रहिए श्रीम श्रीम श्रीम। आपने लगातार श्रीम श्रीम का जाप किया, इस पानी को लगा लिया माँ का नाम लेते हुए कि माँ आज से ये रुपया मेरे लिए बन रहा है लकी चार्म। जब भी ये रुपया मेरे पास रहेगा मेरे लिए बहुत सारे पैसे को अट्रैक्ट करके लाता रहेगा। आपने इस पे पानी लगा लिया इसी भावना के साथ। अब जो आपने श्रीम लिखा है उस पाउडर में, उस पाउडर को आपने लेना है, दालचीनी पाउडर को लेना है और इस पे छिड़क देना है ऐसे ऐसे करके। ये देखिए ये आपने दालचीनी पाउडर इस तरह पूरे छिड़क दिया है इस पे। इसमें है वाइब्रेशन श्रीम माता लक्ष्मी की, इस तरह से आपने इसके ऊपर छिड़क दिया। देखिए ये पूरा छिड़क दिया। लगाने के बाद आपने किया इसको फोल्ड और इसको अपने पास रख लिया। आप चाहें तो इसको किसी बैग में भी रख सकते, छोटा सा पाउच लेके, पर्स लेके, पॉलिथिन लेके, जो कंफर्टेबल लगे उसमें आप रख सकते हैं। और चाहें तो किसी अलग पॉकेट में भी इस नोट को आपको रख लेना है माता का नाम लेते हुए कि आज से ये रुपया मेरे लिए लकी चार्म है, ये जब भी मेरे पास है, जब तक मेरे पास है मुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी, हर तरफ से मेरे पास अब मनी फ्लो होके आता है, बहुत पैसा मेरे पास आ रहा है। और इस लकी चार्म को रख लीजिए अपने पर्स में, पाउच में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, और चाहे तो सिंपली ऐसे किसी अलग पॉकेट में भी आप इसको रखे रह सकते हैं। बीच बीच में कभी कभी जब जरूरत लगे कि आपको पूजा वूजा आप कर रहे हो तो उस समय, या माता के मंदिर में जाए तो कभी कभी निकाल के धूप अगरबत्ती इसको कर ले, दिवाली पे तो आप करेंगे ही, और बाकी इसको परमानेंट अपने लिए लकी चार्म बना लीजिए। हमेशा इसको अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए और आप देखिए कैसे ये आपके लिए लकी चार्म हर तरफ से पैसा अट्रैक्ट करके लाना शुरू कर देगा। अगर आप रोज पर्स में नहीं रख पा रहे हैं तो आप कैश बॉक्स में, लॉकर में भी इसको रख सकते हैं, पर मेरा सजेशन है पर्स में इसको रखिए और फिर देखिए कैसे आपके पास हर तरफ से पैसा होकर आता है अट्रैक्ट। तो साथियों माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर बरसे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ऐसा लकी चार्म सभी लोग बना लें और बहुत जल्दी जो भी जिसकी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश सबकी पूरी हो जाए। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से किसी टॉपिक पे मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।